વૃક્ષવલ્લી આમાં સોયરી વંચરે, પક્ષીહી સુસ્વરે આડવેતી, આકાશ મંડપ પૃથ્વી આસન, રમે તેથે મન ક્રીડા કરી. સંત તુકારામાની લીલેલા અભંગ જીથે જગતા યેતો અસીમલા સાપડેલી જગા મણજે અક્ષરવાડી. હેલો ગાઈસ, અભી હમ યહાં પે અક્ષરવાડી પે પહોંચ ગયે હૈ. એન્ડ યુ કેન સી એટ માય બેક, ઇટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ પ્લેસ. ચારો તરફ પાણી હૈ ઓર ઉસકે પીછે માઉન્ટેન્સ હૈ. યહાં કા જો વ્યૂ હૈ વો દેખ કે હી મઝા આ જાતા હૈ. તો યહાં પે હમ આયે હૈ ઓર અભી બહોત ભૂખ લગી હૈ, ક્યોંકિ રાસ્તા થોડા ખરાબ હૈ યહાં પહોંચને મેં, તો બહોત હી ભૂખ લગી હૈ. અભી હમ બ્રેકફાસ્ટ કરને જાને વાલે હૈ. બ્રેકફાસ્ટ મેં યહાં કે જો ઓનર હૈ રાજુભાઈ વરગડે, ઉન્હોને હમારે લિયે ઢોસા બનાયા હૈ. તો અભી હમ ઢોસા કે ઉપર ટૂટને વાલે હૈ ઓર ઢોસા કે બાદ યહાં પે જો એન્વાયરમેન્ટ હૈ ઉનકા હમ મઝા લેંગે. થેન્ક યુ. અભી હેવી બ્રેકફાસ્ટ હો ગયા હૈ, ડોસા ઇડલી યે સબ ખા લિયા હમને બહોત દબા કે. ઓર અભી યહાં મેરે પીછે આપ દેખ સકતે હૈ બહોત હી બ્યુટીફુલ લેક હૈ. તો વહાં પે અભી હમ નહાને જાને વાલે હૈ ઓર એકદમ ક્લીન લેક હૈ. ઓર યહાં પે કુછ જૈસે આપ અગર લેક મેં જાતે હૈ તો કુછ ફેસિલિટીઝ ભી હૈ, આપ ડૂબ ના જાય. સો વૈસે વો સબ કિટ લેકે હમ જાને વાલે હૈ ઓર વહાં પે લેક મેં એન્જોય કરને વાલે. गोइंग टू हैव सम बात. और मेरे पीछे बहुत बड़ा यहाँ पे बात है और ये जो नेचर ने दिया है बहुत बड़ा लेक है. तो वहाँ पे हम अभी नहाने के लिए जाने वाले हैं और ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे नहा रहे हैं. तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है. और यहाँ पे सेफ्टी किट्स भी अवेलेबल है. सो बच्चों के लिए भी आप बच्चों को ला सकते हैं, बच्चे भी नहा सकते हैं. एंड यू विल रियली रियली एंजॉय इट. सो डू कम हियर. और आगे भी बहुत फन होने वाला है. हम इनके बाद लंच लेंगे और उसके बाद में रेस्ट करेंगे. तो मैं आगे की कहानी भी आपको बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच. આજ હમ યહાં પે અક્ષરવાડી પે આયે હૈ ઓર જૈસે કે આપને દેખા કે હમને બહોત એન્જોય કિયા. સુબહ સે હમને બ્રેકફાસ્ટ કિયા થા, લંચ કિયા, ઉસકે બાદ મેં યહાં પે જો લેક હૈ વહાં પે બાથ લિયા થા. તો યહાં પે આજ મેરે સાથ યહાં કે ઓનર હૈ મિસ્ટર રાજુભાઈ, ઉનસે થોડી બાતચીત કરતે હૈ. રાજુભાઈ, આપકા પૂરા નામ ક્યા હૈ? રાજુભાઈ વાસુદેવ. ઓકે. ઓર આપ યે કિતને ટાઈમ સે ચલ રહા હૈ, મતલબ કિતને ટાઈમ સે હૈ યે જગહ? પહેલે સે ये घर है, घर है और आपने ऐसा सेटअप किया है कि लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सके. ठीक है, आप यहाँ पे कितने लोग हैं? ये सब हमारे जैसे लोग अगर आते हैं तो मैनेज करने के लिए कितने लोग हैं? मम्मी पापा भाई और मतलब चार पांच लोग हैं. पांच लोग हैं. ओके. तो चार पांच लोग, जैसे हमारे जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बनाते हैं. ओके.
बहुत अच्छी बात है। और जैसे यहाँ का जो फूड का क्वालिटी है, दोपहर में हम जो खाना खाया, इट्स वेरी 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 टेस्टी, बहुत सबको मजा आया। और अभी जो भजी बन रही है, पेट में जगह नहीं है, और इतना पर फिर भी इनका जो प्यार है वो बोल रहे नहीं, थोड़ा तो खा के जाना ही पड़ेगा, तो ऐसा यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि ये रूम जो ऊपर का है वो डेवलप किया हुआ है, तो आगे कोई प्लान है इसको और डेवलप करने का? ऐसे कि भविष्य में आते लोग आते रहेंगे तो डेवलप करते रहेंगे। ओके, जैसे हमारे जैसे लोग कोई आते रहेंगे, जैसे मैंने देखा लास्ट टाइम मैं आया था वहां से बहुत सारा डेवलप हुआ है, तो धीरे धीरे करके आगे भी डेवलप होता रहेगा। ऐसे बांबू का झोपड़ी बनाएंगे, ऐसा राइट राइट करेंगे, ओके, रात को रहने के लिए। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पे रेट क्या है पर डे? अगर 24 घंटे में हमको दो टाइम खाना देंगे और एक टाइम नाश्ता देंगे, हाँ। और चाय कॉफी देंगे। और रहने का आपके कितना है? साथ में 1,000 रुपया पर पर्सन, 1,000 रुपीज है। थाउजेंड। और जैसे हमारे जैसे लोग कुछ हाफ डे के लिए आते तो 500 रुपीज। 500 रुपीज। ओके, वेरी गुड। उसमें सुबह नाश्ता और दोपहर को लंच और ये इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स आप बोल सकते हो। सो राजू भाई, मैं सिर्फ कहना चाहूँगा आपकी जो सर्विस है, आपकी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत फैंटास्टिक है, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड हम एक बार और फैमिली के साथ आएंगे, और मेरे पापा जब आएंगे उनको भी लेके आएंगे। ओके, ओके। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय स्वामी।